हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रिमोंडिंग। और आप देख सकते हैं अभी हम पहले क्रीम लगा रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे क्रीम लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप क्रीम लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद हम 45 मिनट के लिए हेयर को छोड़ देंगे क्रीम लगाने के बाद। ठीक है, तो फिर हमने 45 मिनट थोड़ी सी वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद अब हम सीधा प्रेसिंग कर रहे हैं, बीच का सीन कट कर दिया था गाइस। तो आपको जल्दी जल्दी दिखाने के लिए हम इसलिए हमने बीच का सीन कट किया था। तो दोस्तों आपको भी ध्यान से और अच्छे से लगानी है आइनिंग। दोस्तों इस तरह ही आप आइनिंग लगाते रहिए अच्छे से, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा, और पहले की वीडियो भी एक आधी देख लीजिए, पीछे वाली जो हमने डाल रखी है पहले से। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए अपने भाई का। तो अभी हम माइनिंग लगा रहे हैं, अभी हमने थोड़ा सा सीन और कट कर दिया है ताकि आपको थोड़ा जल्दी दिखा पाए। और दोस्तों आपको मैं कितना ही तो बता चुका हूँ, मैंने हेड वॉश किया था शुरू में भी और बाद में क्रीम वॉश करने के लिए भी मैंने हेड वॉश किया था, बस वीडियो नहीं दिखा पाया हूँ उसकी। और अभी आप जो देख रहे हो इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, ये वो रिमोंडिंग क्रीम ऐसी होती है इसका केमिकल, तो आप समझ रहे होगे, बाकी आप भी सब जानते ही होगे। तो इस तरह ही आपको भी करनी है। तो भाई के बाल बहुत छोटे थे तो इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम भी कम ही लगेगा और शाइनिंग दिखेगी नहीं, क्योंकि खड़े हो जाते सीधे बाल। आप देख सकते हो कि भाई के बाल बिल्कुल सीधे सीधे खड़े हो गए हैं। और आप देख सकते हैं छोटे बालों में इसी तरह लगेगी आइनिंग फटाफट, क्योंकि जितना बारीक सेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बालों को। तो गाइस मैंने अपने हाथों से ही नेटलाइजर लगा दिया दूसरी क्रीम का, ये तो आप देख ही रहे होगे। और स्टेप बाय स्टेप आप भी इस तरह ही सिंपल नेटलाइजर लगाइए और उसको 10 मिनट तक लगा कर रखिए, कोई सा भी नेटलाइजर है। ठीक है, तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट भाई के कैसे हो गए बाल। रिमोल्डिंग कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना।